हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए नेक वार्मर लेकर आई हूँ। तो देखिए इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम 12 चैन लेंगे, 12 चैन हमें लेने हैं। फिर हम एक चैन एक्स्ट्रा लेंगे और सभी चैन पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है, हम लूप नहीं लेंगे और इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड रो पे भी हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, लेकिन फंदा हम जिस तरह नॉर्मली डालते हैं उस तरह से नहीं डालेंगे। देखिए जो ऊपर का पोर्शन है, ऊपर जहाँ चैन बनता है, उसके पीछे वाले ऊन पे हम फंसाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। वाइट ऊन होने के कारण ये सही से नज़र नहीं आ रहा है फ्रेंड। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक डाल दिया है जिसमें इसी तरह का बॉर्डर मैंने बनाया है, आप चाहे तो वहाँ से भी इस बॉर्डर को देख सकते हैं। अब इस साइड भी हम उसी तरह से बनाएंगे। सेम प्रोसेस से हमें बिनते चले जाना है। इस तरह बिनते हुए 12 इंच का ये बॉर्डर हमें बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। एक बार फिर देखिए फ्रेंड, इस तरह नहीं फंसाएंगे हम, ठीक है। हमें ऊपर की तरफ पीछे वाले उनको पकड़ना है, बस इस तरह से ही बिनते चले जाना है। तो ये एक बॉर्डर हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे घना सा बॉर्डर बन गया है, जैसा लगता है कि हमने इसे सिलाई से बनाया हो। इसे टोटल हम 12 इंच बना लेंगे। देखिए ये 12 इंच हमारा बनकर तैयार है। अब हम 4 चैन लेंगे और 4 चैन लेने के बाद 2 चैन स्किप करके तीसरे वाले पे सिंगल क्रोशिया लेते हुए हम इसे लॉक करेंगे। और फिर यहाँ से फिर से हम 4 चैन लेंगे, 3 और ये 4, और फिर 2 छोड़ के तीसरे वाले पे हम इसे लॉक करेंगे। देखिए यहाँ इस तरह से हमने जाली बना लिया है फ्रेंड्स, ये बटन के लिए है। अब हमें क्या करना है, अब हम 2 चैन लेके ऊपर आएंगे और डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। डबल क्रोशिया देखिए एक बार हम यहाँ जाली में लेंगे और एक बार जाली के बीच में, यानी कि डबल क्रोशिया हमारा थोड़ा ज़्यादा बनेगा। इसमें हमें डबल क्रोशिया चैन के हिसाब से बढ़ा के बनाने हैं। देखिए एक लाइन हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हम 2 चैन लेके ऊपर आएंगे और फिर से सेम प्रोसेस में डबल क्रोशिया बनाते हुए एक और लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। इस बार हम फंदे बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि जितने डबल क्रोशिया हमने बनाए हुए हैं सभी के ऊपर एक डबल क्रोशिया हमें बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करना है। उसके बाद तीसरा लाइन हम बनाएंगे। तीसरा लाइन भी हमें सेम बनाना है, यानी कि डबल क्रोशिया बना के तीसरा लाइन भी हमें कंप्लीट करना है। शुरुआत में बटन लगाने के लिए जो हमने घर बनाया है उसके लिए हमने क्या किया, 4 चैन लिया फ्रेंड्स। ये 4 चैन ले लिया है, अब हम डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया हमने बनाया है, ये जो 4 चैन हमने लिया था, तो देखिए किस तरह से ये बटन के लिए लूज बन गया है। अब हम एक चैन लेंगे। ये वाले रो पे हमें क्या करना है, ये वाले रो पे हमें हर डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन लेना है। एक चैन लेंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये तीसरा लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सभी के बीच में हमने एक चैन लिया है। तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, थोड़ा फैलाव सा आ गया है। देखिए इस तरह से अब हम रख के देखेंगे
देखिए ये इस तरह नीचे से हल्का राउंड शेप में आ गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 4 चैन लेंगे, 4 चैन हमें लेने हैं, 2, 3, 4, और 2 डबल क्रोशिया स्किप करके हम इसे लॉक करेंगे। फिर हम 4 चैन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करते हुए इसे हम लॉक करेंगे। इस तरह 3 बार हमें 4-4 चैन लेने हैं। चार चार चैन 3 बार लेने के बाद हम 6 चैन लेंगे, इसे भी 2 फंदे स्किप करके हम लॉक करेंगे। देखिए 3 बार हमने 4 चैन लिया है और 1 बार 6 चैन, फिर हम 3 बार 4 चैन लेंगे और 1 बार 6 चैन, इसी तरह इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह बनाते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट रो पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक फंदा लेके चैन के बीच में आएंगे, उसके बाद 2 चैन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 चैन जो हमने लिया था वो मिला के हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 चैन लेंगे और सेम जगह से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हम इसे नेक्स्ट वाले चैन पे लॉक कर देंगे, ये हम शुरुआत और एंड में रिपीट करेंगे। अब हम 4 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले पे लॉक करेंगे, और जहां हमने 6 चैन लिया था फ्रेंड्स वहां हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2, 3, इस तरह से टोटल 10 डबल क्रोशिया हमें यहाँ बनाने हैं। ये टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गए। अब उसे हम नेक्स्ट वाले चैन पे लॉक करेंगे और 4 चैन लेंगे, 4 चैन लेके फिर इसे हम लॉक करेंगे और फिर से हम 4 चैन लेंगे। इसे भी हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फंदा लेते हुए फिर जहां हमने 6 चैन बनाया था वहां पे 10 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इसी प्रोसेस से इस लाइन को हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहां 10 डबल क्रोशिया हमने बनाया है, फिर 4-4 चैन के 2 फंदे लिए हैं, फिर 10 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर 4-4 के 2 फंदे। इस तरह बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ लास्ट पे जैसे हमने शुरुआत में बनाया था 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन और 2 डबल क्रोशिया, उसी तरह से बनाएंगे। ये लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट में एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड, देखिए हमने पहले इसे लॉक किया और फिर 2 चैन लेंगे और फिर 1 डबल क्रोशिया, यानी कि ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 चैन और ये फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जैसे हमने शुरुआत में बनाया था इसी तरह लास्ट में भी हमें बनाना है। अब हम नेक्स्ट रो में आएंगे, 2 चैन लेके ऊपर आएंगे और फिर जैसे हमने डबल क्रोशिया बनाया था वैसे ही हम बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 चैन लिया हमने और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब हम 2 चैन लेंगे
और इसे बीच वाले जो चार चैन हमने लिया था वहाँ लॉक कर देंगे। अब हम फंदा लेंगे और जहाँ हमने 10 डबल क्रोशिया बनाया था हमें उसी तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बीच में एक एक चैन हमें लेना है। देखिए इस तरह से एक चैन हमने लिया और ये डबल क्रोशिया, सभी 10 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, बस बीच में एक एक चैन का फासला रखना है। देखिए एक चैन डबल क्रोशिया, एक चैन और ये डबल क्रोशिया, इस तरह से हमें पूरे 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से। अब फिर हम जो चार चैन हमने लिया था वहाँ लॉक करेंगे, फिर से चार चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले चैन पे लॉक करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम फंदा लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन डबल क्रोशिया और फिर एक चैन डबल क्रोशिया, इस तरह से जैसे हमने पहले बनाया था इस तरह बनाते हुए इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है। लास्ट में हम फिर उसी तरह से दो डबल क्रोशिया, एक चैन और दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह ये रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम फंदा लेते हुए आगे आएंगे, दो चैन लेंगे और फिर दो डबल क्रोशिया, एक चैन और दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद दो चैन ले लेंगे और फंदा लेते हुए सीधा जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया है 10, वही हमें डबल क्रोशिया बनाना शुरू करना है। जिस तरह पहले हमने बनाया था एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, उसी तरह बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इस तरह से। अब ये 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद हम इसे यहाँ लॉक कर देंगे और उसके बाद फंदा लेते हुए फिर से नेक्स्ट वाले पे उसी तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाना शुरू करें। और ये लाइन कंप्लीट होने के बाद आखिर में फिर से हम दो चैन लेंगे, एक दो, और फिर से उसी तरह दो डबल क्रोशिया, एक चैन और दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा तैयार हो चुका है, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक वार्मर है। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि बच्चे अपने गले पे स्कार्फ पहनना पसंद नहीं करते, तो इसे तो बहुत खुशी से वो पहनेंगे। इसे बनाने में वक्त और ऊन दोनों ही बहुत कम लगते हैं फ्रेंड्स, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया या नहीं। अब हम यहाँ पर बटन ऐड करेंगे। बटन आप अपने चॉइस के हिसाब से ऐड कीजिए फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमारा नेक वार्मर बनके तैयार है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन को पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।